जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का इलाके में, जहां अनुसूचित जाति का लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति का लोग रहते हैं, उस पर कोई जनरल कम्युनिटी का व्यक्ति अपराध करने के लिए संभावना बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, भारत में दबंगई का लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग रहने वाले इलाके में घुस जाते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं और दंगा भी करवाते हैं। ऐसी सूचना जब पुलिस को दिया जाता है तो उनको अड़ने के लिए, एट्रोसिटी को रोकने के लिए कोर्ट कार्रवाई करने की अधिकार है कोर्ट को। अपराध को, जो अपराध का संभावना पर कार्रवाई की अधिकार है कोर्ट को, जो 10(1) और 10 में बनाना क्या गया है अधिनियम का, 10 के तहत 10 के तहत ये बनाया बनाना क्या गया है, लिखा गया है कि कोई भी उच्च श्रेणी का लोग, उच्च जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का इलाके में घुसकर इन लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, या कोई वहां बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है, ज्यादा एट्रोसिटी होने वाला है, उनका लोगों को लेकर पूरा, जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रहते हैं वो बस्ती में वो घुसेगा और इन लोगों को टर्चर करने की जो संभावना होता है, ऐसे स्थिति में कोर्ट क्या काम कर सकता है? अपराध किए जाने की संभावना पर अपराध से पूर्व संभावित व्यक्ति का विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है 10(1) के तहत, क्योंकि ना इनको रोकने की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र को सुरक्षित देने की जिम्मेदारी सरकार का बन जाता है। और ये इंफॉर्मेशन जब पुलिस को मिलता है तुरंत इनको कोर्ट में ले जाने से ऐसी घटना को रद्द किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। एट्रोसिटी होने के बाद ही पुलिस वहां पहुंचता है। बार बार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग एडवांस रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस कभी भी कार्रवाई नहीं करता, सुनवाई नहीं करता है। ये सबसे बड़ा कारण ये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग ना एग्जीक्यूटिव में पावरफुल है, ना जुडिशियरी में पावरफुल है, लेजिस्लेचर में पावरफुल, ना प्रेस मीडिया में पावरफुल है। इनका बात कोई नहीं सुनता है। कानून में लिखा गया है 10(1) में कि अपराध होने से पहले इनको रोकना है और ऐसे व्यक्ति का खिलाफ कोर्ट उनको सजा देगा, उन उन उनको वो पुलिस का रिपोर्ट के तहत उस जगह से उनको हटने के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे जगह पर रखने से, उस इलाके में रहने से वो टर्चर कर सकता है, एट्रोसिटी बढ़ा सकता है, लोगों का जान मान का, जान और माल जाने की संभावना बढ़ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनका विरुद्ध कार्रवाई करने की अधिकार कोर्ट को है, स्पेशल कोर्ट को है, विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति का को उस क्षेत्र से और उस क्षेत्र सीमा से निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए हटाने के आदेश दे सकता है, वहां चले जाने की आदेश दे सकता है। ऐसा होने से एट्रोसिटी वहां बंद होने का चांस बढ़ जाता है, नहीं तो एट्रोसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन कोर्ट को ये रिपोर्ट लिखित रूप से देना चाहिए, पुलिस अधिकारी का द्वारा। ये रिपोर्ट देने के बाद पुलिस कोर्ट ये महसूस करेगा कि ये फलाना व्यक्ति है, वहां एट्रोसिटी कर सकता है और लोगों का जान मान का क्षति का संभावना ज्यादा है। ऐसे होने से उनको कोर्ट वहां से निष्कासन करने के लिए आदेश, हटने के लिए आदेश दे सकता है, जो धारा 10 में लिखा गया। अधिकतम ये हटने के लिए कितना दिन तक वो ऑर्डर दे सकता है कोर्ट? अधिकतम 2 साल, 2 वर्ष तक, 2 साल तक वो व्यक्ति उस इलाके से बाहर चला जाना चाहिए। 2 साल का अंदर वो अंदर आ नहीं सकता, जब आएगा तो कोर्ट का आदेश से। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट का अधिनियम 10(2) के तहत इनको 2 साल का सजा मिलता है और उनको लौटने के आदेश कैसे वो करेगा? 10(2) ये कहता है अधिनियम, जो उनको 2 साल का सजा होता है तब उनको भी चांस मिलता है, वो मतलब अवधि तक नहीं लौटने का आदेश दिया जाने के बाद वो वापस आने के लिए भी अपील कर सकता है। आदेश के बाद भी ये व्यक्ति उस क्षेत्र से ना हटे तो निष्कासन अवधि समाप्त होने से पहले जब वो वापस आए तो न्यायालय उसे गिरफ्तार कर सकता है।
और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को उनको आदेश देता है जो 11(1) में लिखा गया है। ये जो कानून है 10(2), 10 और 10(11)(1) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा देने के लिए एक अधिनियम है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये नियम कानून लागू नहीं होता, नहीं तो दबंगे लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का बस्ती में घुस जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। बिहार में तो आप लोगों को अभी सुने होंगे, दबंगे लोगों ने उनका घर में घुस कर लड़की को उठाकर ले गए और उनको रेप के बाद बलात्कार के बाद उन्हें हत्या कर देते हैं। बर्बरता का साथ एट्रोसिटी कितना बढ़ रहा है कोई आकलन कर नहीं सकते। बहुत जघन्य अपराध हो रहा है। कानून होते हुए भी कानून का खौफ नहीं है दबंगे लोगों को। न्यायालय ऐसे लोगों को 2 साल तक निष्कासन कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए उस इलाके से, लेकिन न्यायपालिका इनको फिल करना चाहिए। जब न्यायपालिका फिलिंग नहीं करेगा तो आप जितने भी रिपोर्ट दीजिए वो एक्शन नहीं होगा। ऐसा होगा ये कानून सही से इंप्लीमेंट होता तो आज भारतवर्ष में एट्रोसिटी ही नहीं रहता। लोग एट्रोसिटी करने से पहले 1000 बार सोचते, क्योंकि ना ये सजा है घर से निकाल देने की सजा है, गांव से निकाल देने की सजा है, इलाका में नहीं रहेगा वो कभी भी उस इलाका में वापस आ नहीं सकता। वापस आएगा तो 2 साल का अंदर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उसके वो निष्कासित व्यक्ति को भी सुनवाई करने की अधिकार देता है भारत का संविधान। जब भी व्यक्ति को निष्कासन किया गया है 10 दिन के तहत उनका अधिकार है, 30 दिन तक उनके मोहलत मिलता है, 30 दिन का अंदर वो खुद कोर्ट को लिखित देगा फिर पुनर्वार सुनाई के लिए, या अपना एडवोकेट का द्वारा वो लिखित देगा उन आदेश को परिवर्तन करने के लिए। वो माफी मांग सकता है या कोई भी करके वो उनको कोर्ट को कन्विंस करेगा, कोर्ट फील करेगा कि व्यक्ति सुधर रहा है तो क्यों ना उन्हें एक मौका दिया जाए। उनको भी 30 डे तक सुनता का अंदर सुनने के अधिकार है। भारत का संविधान लिखते वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कानून व्यवस्था ऐसे बनाए एक तरफा सुनाई नहीं होगा, दोनों व्यक्ति माने आपका पिटिशनर और एक्यूज दोनों का बात सुनना, सुनने के बाद ही कोई भी न्याय डिस्चार्ज किया जाता है भारत का न्यायालय में, ये भारत का संविधान कहता है। तो ये व्यक्ति को जब सजा होता है 2 साल तक, दो अधिकतम 2 वर्ष तक इनको के अवधि तक इनको मतलब वो इलाका छोड़ने के लिए जो आदेश देता है विशेष न्यायालय, उनको वापसी लेने के लिए 10 दिन में उन्हें निष्कासित को वापसी लेने के लिए 10 दिन में उन्हें अधिकार मिलता है और कोर्ट इनको सुनेगा। वो डायरेक्ट कर सकता है या उनका एडवोकेट द्वारा भी वो अर्जी दे सकता है 10 दिन का अंदर, और पुलिस और भी उन्हें सहयोग करेगा, प्रोटेक्शन देगा, उसके साथ साथ आपका न्यायालय उनको सुनेगा, न्यायालय फील करेगा, तब जाके ये जो अपराध व्यक्ति को निष्कासित व्यक्ति को दिया गया सजा जो 2 साल तक उनको निष्कासित किया गया उनको रोक सकता है, या उनका मर्जी है, वो विशेष अधिकार है विशेष न्यायालय का। जब ऐसे व्यक्ति को दंड मिलता है निष्कासित कर दिए तो उनका फोटो और उनका डाटा देने के लिए बाध्य है, वो देगा। निष्कासित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा अपेक्षा करने पर उनका नाम और फोटो पुलिस अधिकारी को देगा, वो ये कानून कहता है। और जब वो ऐसे व्यक्ति इनकार करता है तो पुलिस इसके लिए आवश्यक स्टेप भी लेगा। निष्कासित व्यक्ति अपराधी जब बन जाता है तो आदेश समाप्त होने तक वो बाहर ही रहेगा, बीच में वो कभी भी आ नहीं सकता। जब बीच में बिना विदाउट परमिशन आ गया, निष्कासित इलाके में आ गया, तो पुलिस पुनर्वार उन्हें अरेस्ट करेगा और कोर्ट में पेश करेगा और उनका अवधि क्या है, अवधि खत्म होने से पहले वो क्यों लौट 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 के आए हैं इसके बारे में जानकारी लेगा, और न्यायालय जो सोचेगा ऐसे हिसाब से उन्हें दंड मिलेगा। वो व्यक्ति अवधि खत्म होने से पहले
वापस आने के लिए चाहता है तो अनुमति मांगना पड़ेगा कोर्ट को। और कारण क्या है, रियलिटी कारण, सफिशियंट ग्राउंड वो कोर्ट को देगा, और सफिशियंट ग्राउंड में कोर्ट फील करेगा तब जो उनको जो दंड मिला था उनको वापस ले सकता है, और या उनको आने के लिए अनुमति, उनका आवेदन पत्र में अनुमति मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कोर्ट का ऊपर डिपेंड करता है। ये भी नियम है, यहाँ जो आदेश दिया जाता है वो आदेश का विशेष न्यायालय वापस ले ले सकता है। अस्थायी अवधि का बाद निष्कासित व्यक्ति को पुनः वापसी लौटने के लिए आदेश दे सकता है। यदि अस्थायी अवधि पूरे होने पर वापसी नहीं जाता तो उसे गिरफ्तार भी करके पुलिस उन्हें जेल भी भेज सकता है, और उनका आदेश को, कोर्ट का आदेश का जब ऐसे व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उन्हें कम से कम 1 साल का सजा हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। यह है एट्रोसिटी एक्ट का 10(1), 10(2), 10(3) और 11(1) में एट्रोसिटी का संभावना को रोकने के लिए, एट्रोसिटी को कंट्रोल करने के लिए अधिनियम में ऐसे कानून बनाया गया है। और इस अधिनियम के तहत हमारा न्यायालय को यह अधिकार भी मिला है कि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को उस इलाका से निष्कासन करने के अधिकार मिलता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जान और माल को सुरक्षा देने के लिए सरकार का जिम्मेदारी होता है, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में लिपिबद्ध है, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। एट्रोसिटी एक्ट भी एक मौलिक अधिकार के तरह के तहत आता है, जो आर्टिकल 17 के तहत, इसीलिए ये बहुत पावरफुल एक्ट है। लेकिन ये इस एक्ट को रियल फील्ड में फंक्शन नहीं किया जा रहा है, रियल फील्ड में प्रॉपरली इनको फंक्शन नहीं होने के कारण हर दिन भारतवर्ष में 60 से ज्यादा औरत को बलात्कार किया जाता है। हर दिन भारत में हर दिन 64 बलात्कार होता है, उनमें से 60 SC/ST का श्रेणी का औरत होते हैं। सैकड़ों एट्रोसिटी हर दिन होता है, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, ऑफिशियली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां वो काम करता है, कामगार जगह पर, हर जगह पर एट्रोसिटी होता है। लेकिन ये कानून को सही से इस्तेमाल किया होता आज भारत ऐसा नहीं होता, और भारतवर्ष में ऐसे एट्रोसिटी दिन ब दिन नहीं बढ़ता, लोगों को कानून का खौफ होता। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।